समाज और जो प्रताड़ित समाज है वो एक हो जाए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। सही बात है। हमारे जैसे उनको खाना खिलाया राणा पुंजा के बंदूकों ने, हमारे पुरखों ने, तो ये महाराणा बने। सही बात, ऐसा महाराणा नहीं बने। सही, हम पानरवा में गए थे, गोगुंडा में गए, वहां लोगों ने कहा, बुजुर्ग 100-200 साल के लोगों ने कहा, महाराणा प्रताप यहाँ आते बिलो को ले जाते, दो दिन बाद में खाली दो बिल साथ में आते वापिस, सारे मर जाते। तो हमने बलिदान दिया है। और जो मेवाड़ का राजगद्दी बसाने का काम किया, वंशजों को बसाने का काम किया, वो गुज्जर समाज की पन्ना धाई ने किया, वो भी इसी से। और हम लोग एक धर्म की राजनीति करते हैं, ये हो गया वो हो गया, ये जो हमारे महाराणा प्रताप है उनके साथ में हकीम खान सूरी फेंकनी थे लड़ाई लड़ने वाले। तो फिर काहे की लड़ाई है हमारी, ये सांप्रदायिक की लड़ाई हम क्यों लड़ रहे हैं? हमने पनाह दिया, ओबीसी ने, गुजरों ने पनाह दिया, उनके परिवार के लोग तो उनको मारने पे उतारू थे, नहीं थे। पन्ना दाय ने अपना बच्चा आगे कर दिया, बनवीर थे वो, उस बच्चे को काट के चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया। तो ऐसे हमारे समाज के लोग थे, ओबीसी के थे, दलित समाज के थे, आदिवासी थे, सारों ने मिलकर महाराणा प्रताप को आगे बढ़ाया है। और आज हम लोग महाराणा प्रताप ऊपर से उनकी आत्मा भी देखती होगी तो उनके जो बचे हुए वंशज है उनको कोसती होगी, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए कोसती होगी कि बिलों के आधार पे, दलितों के आधार पे, ओबीसी के आधार पे मेरा वंशज जिंदा है, लेकिन वही वंशज इन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। सभी जगह अत्याचार हो रहा है, पूरे देश के अंदर महाराणा प्रताप की मूर्तियां प्रस्तावित होगी, लेकिन राणा पुंजा भील की मूर्ति प्रस्तापित नहीं हुई। हमारे साथ में अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है, हमारे पुरखे का कोई इतिहास नहीं है, दबा दिया गया है। वो तो भील समाज थोड़ा जाग गया, पढ़ लिख गया, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप के साथ साथ में राणा पुंजा भील की मूर्ति लगने लगी। लेकिन एक बात और आपको समझ में नहीं आता है, ये पुंजा भील होड़की परिवार से थे, भील समाज का होड़की समुदाय जो पानरवा से लेके मध्य प्रदेश तक पूरे इलाके में होड़की समुदाय रहता है, गोत्र है भीलों का होड़की। और आज कुछ लोग कहते हैं कि राणा पुंजा राजपूत, सोलंकी ऐसे भी बोलते हैं। तो आज वो राजपूत क्यों नहीं आए भाई? इस पुंजा भील की मूर्ति टूटी क्यों नहीं आए भाई? क्यों नहीं आए? सवाल करना चाहिए, होती राजनीति करते हैं वो। जिस दिन सवाल करते जाओगे उस दिन आपके अधिकार, आपकी संस्कृति, आपका इतिहास पुनर्जीवित हो सकता है। और मैं आप लोगों को अंतिम बात ये कह के जाना चाह रहा हूँ, अभी 2020 के अंदर अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूची को जैसे जैसे विस्तारित किया, और ये आपका पूरा कुंभलगढ़ पिंडवाड़ा पूरा इलाका है जो आदिवासी की 50% जनसंख्या के आधार पर है, तो ये पूरा इलाका 5वीं अनुसूची में होना चाहिए, ताकि आपकी बच्चियां पढ़ रही है उनको भी स्कूटी मिले, छात्रावास बने, आप भी डॉक्टर बनो, पुलिस वाले बनो, कलेक्टर बनो, आप भी हमारे भाई हो। आपको मांग करनी चाहिए कि हमारा पूरा इलाका आदिवासी क्षेत्र घोषित किया जाए। ये कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, मैं जैसे कुछ अलग तरीका देखा मैंने, तो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने सोचा मैं 200 किलोमीटर आना, 200 जाना, गाड़ी का किराया, डीजल कौन देगा भाई? मैं भी बेरोजगार हूँ, आप सभी भी अपने अपने से आए हैं। 8,000-9,000 रुपया मेरा खर्चा हुआ, फिर मैंने कहा मैं यहाँ दो बातें कह के नहीं जाऊंगा तो हमारा समाज जागने वाला नहीं है, इसलिए मुझे लगा ये दो बातें कहनी चाहिए, दो बातें आप लोगों को पूरी लगी होगी। मेरे पास तो इससे भी ज्यादा खतरनाक हथियार है, पुलिस वाले उन्हें तो समझ लेना, वो हथियार नहीं है। जो अपनों को बुखार आता है तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, पहले दवाई नहीं थी तो नीम घिस के पीते थे हमारे लोग। मेरे पास जानकारियों का भंडार है, लेकिन आप लोग जिस दिन सुनने के लिए तैयार हो जाओगे उस दिन हम लोग आएंगे,
आज हम कोई जानकारी देना नहीं चाहते, आज तो इतना चाहते हैं अभी जितने लोग बैठे थे वो सारे के सारे जिम्मेदारी लें, पुलिस प्रशासन जिम्मेदारी लें, और यहाँ के विधायक आए थे वो जिम्मेदारी लें, और पगड़ी वाले जो 50 साल के लोग हैं उनको बुलाया जाए, पेड़ के एक कागज बनाया जाए, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, महीने के अंदर मूर्ति हम वापिस लगा देंगे। ये लिखित रूप में होना चाहिए मेरे भाई, मौखिक में आपको करना दो, जाओ हम तो आपके साथ में नहीं है, मौखिक वाले में कोई साथ में नहीं है, जाओ जंगल में मोर नचा किसने देखा, हमारे को सबूत चाहिए, सबूत होगा तो बात करेंगे, नहीं तो हम तो ये चल दिए भाई, तुम मौखिक बात करते रहो, समाज को गुमराह करते रहो, समाज अब जाग चुका, वो लिखित होनी चाहिए जो भी बात थी वो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहर, जय आदिवासी, जय भीम, जय जय जय। व्यवहार के अंदर उसमें राणा पुंजा का एक पुत्र भी था जिसका नाम था मेगा, और कुछ अकबर के छलिए महाराणा प्रताप के बेटे को मारना चाहते थे और उस अमर सिंह को मारने के लिए आए थे। जब उन्होंने बाण चलाया ठकुर हुआ तो पुंजा भील का बेटा अमर सिंह जी की सहायता में वहां मर गया, यह आपको पता नहीं होगा। अब दोस्तों जगने का समय आ गया है, हे अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो अब ये मौसम बदलना चाहिए, जो चेहरे रोज कड़िया का रहने वाला हूँ और मैं संगठन मंत्री हूँ, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ आप सबको, दूसरों को नहीं पूछना चाहता हूँ, चलो बैठो, अपना राजा होता है दूसरा ये तो टूटता रहेगा, बोलता रहेगा और ऐसे ही मारते रहेंगे पत्थर की पुतली, क्या समझ रहे, ये हमें वही है पुंजा राणा की वे पुतली बैठाने से नहीं है, आपसे ये पूछता हूँ कि यहाँ के राजा है पीछे पूछना चाहता है कि आपके यहाँ पर कुछ भी चोरी हो जाती है तो वो भ्रमण कर सकता है कि नहीं कर सकता है, राज करने वाले को पूछता हूँ दूसरों को नहीं, जो कर्मचारी है जो पुरुष साधन है इनसे पूछा, ये तो नौकर है ये तो दबा सकता है, वो नेता लोग दबा सकता है, लेकिन ये अपने रखवाले को है तो रखवाली कर सकता है।